यस सर, हो चुकी है, बस आपसे नहीं हुई है, शादाब सर को। शादाब सर ही बोल रहे। माइक ऑन करो अपना, ये वीडियो ऑन कर लो। हमसे हुई थी हमसे। अच्छा अच्छा, हो चुकी है इनसे बात। अच्छा सर, बहुत कंफ्यूजन हो गया आप दोनों में, कौन शादाब सर है और पता नहीं चलता। देखो लिखा हुआ है परवेश सर में, लिखा हुआ है परवेश सर, मेरे में एजुकेशन अड्डा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, असल बात पहले हम वहाँ बैठे हुए थे ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, शक्ल भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नो सर, कोई परेशानी नहीं सर, अभी तक कंफ्यूज चेहरा मैच होता है क्या? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप लोगों का चेहरा मैच होता है? चेहरा मैच, बड़े भाई हैं हमारे परवेश सर, इसलिए तो सर चेहरा मिल जाता है, चेहरा इसलिए मिलता है। ट्विंस थे क्या? नहीं, ट्विंस नहीं है भाई, 2 साल बड़े हैं हमारे से। आवाज आ रही सभी को? यस सर। ठीक है, देखते हैं भाई कौन कौन है। शहजाद खान। यस सर। शहजाद खान हो, अपना वीडियो ऑन करो। सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ना बताइए, कहाँ से हो भाई शहजाद? जी सर, महाराजगंज। कहाँ से? महाराजगंज। ये कहाँ होता है, स्टेट बताओ। स्टेट यूपी। यूपी, गोरखपुर के। अच्छा अच्छा, गोरखपुर के पास। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है। सब सही है ना? एक बार एक टेस्ट में हमने देखा, रैंकिंग में भी आए थे माशाल्लाह। यस। और इस बार जो टेस्ट 7 है उसमें भी तुम्हारा नाम है ना? यस सर, रैंक थर्ड है। अच्छा, रैंक थर्ड है। स्कोर कितना हुआ था, कितना स्कोर किया था आपने? 87.5। अच्छा अच्छा, तो किस में प्रॉब्लम आई उसमें जो क्वेश्चंस? जी सर, मैथ के वर्ड प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तो प्रैक्टिस करेंगे है ना, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। एक और चीज़ हम बता देते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, वो प्रॉब्लम आप लोग कहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो प्रॉब्लम लिखने के बाद उसको मैसेज करेंगे कि सर हमको इस पोर्शन में समझ में नहीं आया है, लिख करके। यानी साइंस की अगर बात कर लें, इंडिविजुअली सब्जेक्ट उठा लें तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, सबका अलग अलग सेपरेटली आप लोग कुछ रिटेन फॉर्म में रखेंगे, सारा एक जगह कर लेंगे, फिर वो सेंड करेंगे और उस पर हम लोग सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है? ठीक है। प्रैक्टिस सेशन जो हम लोग करा रहे हैं, क्वेश्चन सेशन करा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, पसंद आ रहा है? यस। फील हो रहा है कुछ की होगा इंशाल्लाह? बस इस बार फाड़ देना है, एकदम फाड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नहीं फाड़ना है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। परवेश सर भी हैं। मैथ में क्या दिक्कत है, मैथ बताओ। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अभी आपने एग्जाम में का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी पूरा नहीं सेंड किया है। हां, वो हो जाएगा। अच्छा, वो सेंड कर देंगे। मैथ में और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। और फिजिक्स में? किसी में दिक्कत नहीं, बस मैथ में थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा नहीं समझ आ रहा, तो आपने बता दिया वो ऑप्शन से करने के लिए। कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं बस। देखो, ऑप्शन से हर क्वेश्चन नहीं होगा, पहले बता देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा, बट जो मेथड है वो थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा आपको, अगर कोई कोई क्वेश्चन में नहीं हो रहा है तो, ठीक है। चलिए, और कोई प्रॉब्लम शहजाद सर? और आपने कहा था कि जामिया का जो वेटेज मार्क है अभी वो अच्छा नहीं। अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम, नया लेक्चर हम लेकर के आएंगे ना, जैसे कि एसिड बेस का हम लेकर के आए हैं आज, केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें दोनों का होगा, ठीक है, उसमें दोनों का वेटेज होगा, जामिया का भी होगा और एएमयू का भी होगा, ठीक। चलिए ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, और कौन है? वालेकुम सलाम। नुसरत अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। माइक ऑन कर लीजिए। वालेकुम सलाम। नुसरत हो या इशरत हो? सर हम इशरत हैं, ये मेरी अप्पी की आईडी है। अच्छा, नुसरत अब्दुल्ला, उससे किए हैं, ठीक है। तो आपसे तो बात हो गई थी ना, सर से पूछ लो जल्दी, क्वेश्चन पूछना है परवेश सर से। बताओ बच्चे, मैथ में क्या दिक्कत है, मैथ और फिजिक्स? मैथ में ये दिक्कत है कि जो आप ट्रिक बताते हैं ना सर, वो मुझसे जल्दी नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों सर, वैल्यू करने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। क्या जैसे समझ में ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, या ट्रिक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाते हो? ट्रिक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाते, ट्रिक तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन या कुछ कुछ क्वेश्चन?
मैक्सिमम में। अच्छा वो प्रैक्टिस करने से होगा इशरत, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे होगा। और फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे ना, तो उसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील करके सर बताएंगे, ठीक है? देखो प्रैक्टिस सेशन जो आएगा उसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा आप लोग से। प्रैक्टिस सेशन तो पता नहीं कब आएगा, हमें टेस्ट के लिए चाहिए था। तो टेस्ट तो ये टेस्ट तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है? असली टेस्ट तो हम लोगों का एमयू का होगा और जामिया का होगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस सेशन तब लाएंगे जब मतलब कि आपका थोड़ा बहुत जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं तो चैप्टर्स नहीं कर पाओगे ना, चैप्टर पे भी तो हम लोगों को कंप्लीट करना है। और प्रैक्टिस सेशन जब आएगा तो बैक टू बैक प्रैक्टिस सेशन भी आएगा, ठीक है? अभी टाइम है, अभी घबराओ नहीं। इतना ज्यादा तुम डिमोटिवेट हो जाती हो कि एकदम लग रहा है कि एकदम दिल आपका धक 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 कर रहा है। और अभी अभी प्रैक्टिस के लिए सुपर 40 सेशन है, पीवाईक्यू सेशन है, सारे सेशन क्वेश्चन सेशन है। और अदर जगह पे प्रिपरेशन जो हो रहा है उसमें क्वेश्चन सेशन का अलग से मतलब वो लाया जाता है और क्वेश्चन सेशन कराया जाता है। इसमें तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, अभी घबराना नहीं है। क्वेश्चन सेशन जब आएगा तो बहुत अच्छे हो आपसे, मुझे सच में दिल से बोल रहे थे, बहुत फायदा पहुंचा है। हाँ तो सही है, बस वही चीज़ इसलिए कराते हैं कि आप लोगों को लगे, है ना, अगर सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा ना, सब बनने लगेगा तो फिर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो ना, जो खतरनाक बन जाता है, जो खतरनाक हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, हम क्या करें? कॉन्फिडेंस आएगा। और इतना ज्यादा डिमोटिवेट मत हो, परेशान मत हो कि नहीं बन रहा है तो नहीं होगा, मेरा भी बहुत टाइम है अब, बेसिक धीरे धीरे। देखो इसरत, बात यह है कि अभी जितना खाना है खा लो, इन द सेंस के जितना अचीव करना है अचीव कर लो, बाद में उसको बचा लो, मतलब बाद में उसको और अच्छे तरीके से कर लेंगे। और फिर हम लोग है ना, कुछ भी परेशानी हो तो फिर आप हमसे इंडिविजुअली भी बात कर सकते हो, ठीक है? ठीक है ठीक है, अभी दूसरे से भी देख लेते हैं भाई, नहीं तो बोलेंगे कि परेशान हो रहे हैं। और कौन है भाई, जरा आप लोग भी जरा एक कदम बढ़ाएं ताकि सामने आए, बात करें, अपनी परेशानी लेकर के आए। उम्मे कुलसुम, माइक ऑन कर लीजिए आप। ऑडिबल? हाँ ठीक है। वालेकुम सलाम, बोलो। मुझे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पढ़ाई भी दे आर गोइंग वेल, एक्सेप्ट फिजिक्स एंड मैथ्स। क्यों, फिजिक्स मैथ में क्या परेशानी होगी? फिजिक्स मैथ में क्या दिक्कत है भाई? सर ज्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं है, बट मेरी इधर कुछ तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो फिजिक्स और मैथ्स का लेक्चर भी थोड़ा आगे पीछे हो गया था। हाँ उतना ज्यादा भी नहीं है ना, उतना ज्यादा बर्डन मत बनाना कि कुछ चीज छूट गई है तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, इतना नहीं करना है। आप चाहो तो एक दिन में पूरा एक दो तीन चैप्टर कर सकते हो, इतना पोटेंशियल रखना चाहिए। और फिलहाल आपका तबीयत अभी ठीक नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और इंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रेस अपने सर के ऊपर हावी नहीं करना है, ठीक है? ये यहाँ से आप लोगों की शुरुआत होती है ना, नई जर्नी एक तरह का है, और यहाँ से आगे भी बहुत बढ़ना है, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं जो इससे भी ज्यादा है ना, समझ लो इसका बाप है, ठीक है? तो उसमें तो पूरी तरीके से पॉजिटिव लेके चलो, और तुम्हारा प्रोग्रेस भी माशाल्लाह अच्छा है, और ज्यादा मेहनत करें आप, ठीक है? और अच्छा अच्छा टाइमिंग को लेकर के है ना, तो वो आप क्या, हाँ तो उसके लिए क्या करना है, एक सेशन हम लेकर के आएंगे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से टाइम देना है। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो आप मोबाइल तो यूज करते ही, मोबाइल में आप स्टॉप वॉच लगा लेंगे और कम से कम टाइम में एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मान लो 10 क्वेश्चन का एक सेट बना लेंगे और कुछ टाइम फिक्स कर लेंगे कि हमको ये 10 क्वेश्चन मैथ का इन्हीं टाइम के अंदर हमको प्रैक्टिस करना है। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उतने टाइम में आप कर लोगे, ठीक है? आप बता दीजिएगा कैसे पढ़ना है, मुझे भी यही प्रॉब्लम है। हाँ बताएंगे बच्चे, ठीक है? एक दो दिन के अंदर वो स्ट्रेटेजी वाला हम जो है वो क्लास लेकर के आएंगे, सेशन लेकर के आएंगे, और वो डे टाइम में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि नाइट में तो हम लोगों का क्लास चलता है, ठीक? बाकी वो अपलोडेड फॉर्म में रहे। देखो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चलता है, ठीक है? तो उसमें जो है हम लोगों का बिजी शेड्यूल है, 7:30 तक समझ लो कि हम लोग पूरी तरीके से बिजी हैं, सुबह 9 से 7:30। आज तो छुट्टी है, 26 जैन है, इस वजह से मुखातिब हो रहे हैं आप लोगों से। चलो 7:30 से तो इंस्टीट्यूट से ही आते हैं, चलिए ठीक है, क्लास लेते ठीक है ठीक।
अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट नो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कैमरा ऑन कर लें। यस सर। बोलिए सर। अभी हम तो न्यू ज्वाइन किए तो फिर थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, कब ज्वाइन किया आपने? सर परसों ही ज्वाइन किया। अच्छा, है चलो ठीक है। अच्छा आप माइंड सेट कर लेंगे ठीक है, और जो रेगुलर लाइव क्लास हो रही है उसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, और पीछे का जो भी है वो वाइज ऐप में प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप पीछे का करना शुरू करें। यस सर ठीक है। प्रेशर जनरेट नहीं करना है कि सर पीछे का नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये सब दिमाग में नहीं लाना है। यस सर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अभी बहुत टाइम। कछुआ की तरह चलो बच्चे, कछुआ की तरह ठीक है, पीछे से धीरे करते चलो और साथ में फिर जहाँ से लाइव आ रहा है वहाँ से भी करते चलो ठीक है। चलिए ठीक है। कुछ परेशानी होगी मैसेज करेंगे, आप इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। और कौन है भाई? वालेकुम सलाम। कैमरा ऑन कर लो भाई। चलिए बताइए प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, हमने भी न्यू ज्वाइन किया है 15 को, तो अभी हमारा थोड़ा बैकलॉग है तो वही हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी। अच्छा बैकलॉग है। हाँ तो हो रहा है वो सारा सर, अभी एक दो दो चैप्टर है पीछे। ठीक है वो हो जाएगा, परेशानी नहीं लेना, दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, बड़ी चीज नहीं है। लाइव क्लास भी होता है? लाइव क्लास भी दे रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं। सुबह हम देते हैं वो, शाम को जो लाइव होता है। हाँ ठीक है ठीक है, आपका शेड्यूल अच्छा। हेलो हेलो सर। हाँ कौन है ये? हेलो। हाँ हेलो हेलो, हम मंतशा रिजवी बोल रहे हैं सर। अच्छा एक सेकेंड, आप किस नाम से हैं? मंतशा रिजवी। मंतशा रिजवी, आप वीडियो ऑन कर लेंगे ठीक है? ठीक है बताइए। बोल रहे हैं सर, हम तो न्यू आज ही ज्वाइन किए हैं, फिर क्या होगा? हाँ बता रहे हैं, जैसे आपने आज ज्वाइन कर लिया है तो वाइज ऐप पर प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे पिछला है ना, पीछे का। तो आप डेली जो रेगुलर क्लास जो 8 बजे से 10:30 या 11:30 तक, जो भी 11 बजे तक चलता है, वो तो आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और सुबह में अगर आपको डे टाइम में जितना भी टाइम लगता है उसमें आप पीछे का सब्जेक्ट वाइज जो है वो लेक्चर देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो जो भी DPP वगैरह वाइज ऐप पर है उसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है वो देख लेंगे सर, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी उसमें, प्रॉब्लम जो भी आएगी तो इस तरीके का सेशन जो है वो इंटरेक्शन सेशन हम लेते रहेंगे बीच बीच में ठीक है, उसमें आप जिक्र करेंगे, और जो प्रॉब्लम होगा वो ग्रुप में आप मैसेज करेंगे, ग्रुप में भी हो जाता है। कोई डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में वहां पे डाउट सॉल्व भी हो जाता है और हम भी कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आपने तो आज ही बैच ज्वाइन किया। चलिए ठीक है जी सर। अक्सर आपसे बात हो चुकी है? यस सर हो चुकी है, बस आपसे नहीं हुई है, शादाब सर। शादाब सर ही बोल रहे हैं। माइक ऑन करो अपना, ये वीडियो ऑन कर लो। किसे हुई थी हमसे? अच्छा अच्छा हो चुकी है इनके बाद। अच्छा अच्छा, बहुत कंफ्यूजन हो गया दोनों में, कौन शादाब सर है और पता नहीं चलता। देखो लिखा हुआ है परवेश सर में, लिखा हुआ है परवेश सर, मेरे में एजुकेशन अड्डा लिखा हुआ है। नहीं नहीं असल बात पहले हम वहाँ बैठे हुए थे ना इसीलिए। अच्छा अच्छा, असल भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नो सर कोई परेशानी नहीं, दोनों में परवेश सर है। चेहरा मैच होता है क्या? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप लोगों का चेहरा मैच करता है। चेहरा मैच, बड़े भाई हैं हमारे परवेश सर। इसलिए तो सर चेहरा मिल जाता है। चेहरा इसलिए मिलता है। आप ट्विन्स थे क्या? नहीं ट्विन्स नहीं है भाई, 2 साल बड़े हैं हमारे सर। 8 बजे से स्टार्ट होती है इवनिंग में क्लास, और 10:30-11 बजे तक चलती है। ओके सर थैंक यू। ठीक है ओके सर। मारिया को देख लो, मारिया भी है। हसनैर अपना कैमरा ऑन कर लो। सर कैमरा छोड़िए ना सर। अरे कैमरा ऑन करो ना भाई, हम भी तो देखें कि कौन है भाई आप। अच्छा पुलवाई से मिलना होगा, मतलब लोकल है सर। आपका कुछ खोज रहे थे, गए थे लेकिन नहीं मिला।
अच्छा नहीं मिले आप? अरे ऑन तो करो, देखे तो हम भी पहचाने तो कौन है भाई हसनैन। सर बोल रहे सर कि थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा सर। कौन सा स्किल? थिंकिंग स्किल सर, जैसे क्वेश्चन को सोच नहीं पा रहे हैं। अभी फ्यूचर का नहीं सोचना, अभी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बाद का सोचना है, ठीक है? मतलब 5 महीने का फ्यूचर का सोचना। हाँ बोलो, आप बोलो। बोल रहे सर कि नहीं सोच पाते सर अभी का अभी क्वेश्चन कैसे करना है सर, हेल्प मांगना पड़ता है सबसे। अच्छा क्या नहीं कर पाते हैं? मैथ का क्वेश्चन सर, मैथ का और कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन होते हैं। तो हेल्प तो मांगना पड़ेगा भाई, हेल्प मांगना पड़ेगा, और नहीं मांगोगे हम लोगों से भी हेल्प मांगना पड़ेगा, हम लोग भी करेंगे। सर आप तो सर नया वाला सीखेंगे ही आपसे। हाँ क्या सर, जो पढ़ चुके हैं ना सर वो भी समझ में नहीं आता है कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो प्रैक्टिस सेशन भी देखो, सुनो सुनो, अभी जो हम लोगों ने बैच फाउंडेशन बैच जो ये एमयू जामिया 2.0 जो बैच है, इसमें हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं, बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो दोबारा से नहीं होगा। एक बैच और हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट करेंगे जब एएमयू का फॉर्म निकल जाएगा, ठीक? उसमें स्टार्टिंग से शुरू होगा, तो वो बैच आप लोगों को बिना ऐसे मिल जाएगा, ठीक है? तो उसमें आपका फिर से रेगुलर रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो ये वाला बैच है ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? जी सर। हाँ और अभी कंप्लीट नहीं है सर ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ाई करने में। क्या कंप्लीट नहीं है? टेंथ का सर पूरा कंप्लीट नहीं पढ़े हैं हम लोग। जैसे अच्छा अच्छा, तो फ्रेशर हो क्या? क्या सर मतलब कि टेंथ में हो? नहीं सर, टेंथ तो सर पास कर चुके हैं। तो फिर बट सर जैसे कि जैक बोर्ड है ना, तो हम लोग का सिलेबस कट ऑफ कर दिया था 50%। अच्छा अच्छा, तो सर हाँ ठीक है, तो जो कटा है ना, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कट गया है, या मैथ में भी बहुत सारे कटे होंगे, पता नहीं मुझे तो आइडिया नहीं है। मैथ में भी हाँ बहुत कटा है, फिजिक्स में भी रिड्यूस है। हाँ हाँ, तो वो रिडक्शन वाला जो भी जो है ना वो सब होगा, घबराना नहीं है। अरे अभी तो 2-4-3 चैप्टर ऐसे ही हर इसमें हुआ है, सब्जेक्ट में हुआ है। क्या रिजल्ट? रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा टेस्ट में, तो कैसे सर कहें कि ज्यादा ये जो है ना ये बुरा लगना चाहिए कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है? ये अगर बुरा लगने लगेगा तो फिर इंसान जो है वो आगे बढ़ेगा। तब अगर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा तो फिर क्या करोगे? अरे सब तो हो ही जा रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वही है ना कि कम्फर्टेबल कम्फर्ट में रहोगे, कम्फर्ट में तो समझ लो फिर सब चीज समझ लो बुरा हो रहा है। क्या सर कि कितना भी पढ़ते हैं ना सर, लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है। अरे भाई जिस दिन एग्जाम होगा ना नेक्स्ट, मान लो कि कल एएमयू का एग्जाम है, तो जितना भी पढ़ लिया ना आज लगेगा कि जो पढ़ा है सब खत्म हो गया है, ऐसा वाला फीलिंग भी आया नहीं है। क्या क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चों जिनका जिनका पटना में सेंटर होगा सबसे मुलाकात होगी, ठीक है? सर बोल रहे ना सर, मुझे मदर इंटरनेशनल एकेडमी है ना सर फुलवारी शरीफ में, वहाँ पे हम गए थे एक बार अपना ये एंट्रेंस देने। अच्छा। पिछले साल तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे कोचिंग है। हाँ सर देखे थे, आपका पोस्टर भी लगा हुआ था सर, वो खान का है ना। वहाँ भी गए थे, वहाँ से तो नजदीकी है। अच्छा ठीक है सर, नहीं पता चला तो किधर जाना है, और अभी कुछ दिन पहले भी गया था तो उस टाइम भी नहीं पता चल पाया किधर जाना है। अच्छा, फिर आ गए। फोन है ना तुम्हारे पास? और भी लोग थे ना सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है हसनैन, अभी नेक्स्ट बच्चों से बात करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग सबसे मिलेंगे। एक और बात बता रहे सर, थोड़ा सा हंसने वाली बात है लेकिन मतलब जैसा हो रहा वैसा बता दे रहे आपको। बता दीजिए, बोलो, हंस लेंगे थोड़ा सा। मतलब इतना सर क्रेज बढ़ गया ना इंटरेस्ट को मेरे, मतलब मुझे इंट्रेंस को लेकर सर सब बार बार सपना भी मैं भी इंट्रेंस ही आता है। हाँ तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है क्योंकि जब मैंने एंट्रेंस दिया था ना, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा भी यही हाल था, सपने में भी लग रहा था कि मतलब एग्जाम पेपर देने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि शायद ओएमआर में गलती हो गया हो, या मेरा ओएमआर जो है कहीं गिर गया हो, वहां पहुंचा ही ना हो, तो ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। ये भी तो हंसने वाली ही बात है।
ठीक है सर, मतलब रात को सर 3 बजे 4 बजे 5 बजे सर मतलब पता ही नहीं चलता सर कब नींद खुल जाता है और सोचने रहते कि क्या पता एंट्रेंस हो गया या फॉर्म आ गया। इतना नहीं सोचना है अभी, ठीक है, इतना अभी नहीं सोचना है, थोड़ा कूल हो जाओ, ठंडा हो जाओ। यही सब है सर, क्या बताएं, बाकी तैयारी चल ही रही है। चले ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई जो बात करना चाहेंगे जल्दी, 5-10 मिनट और है उसके बाद एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे होगा। मारिया है यार, अरे बात हुआ है सर, मोहम्मद फैज से सर बात करिए। मोहम्मद फैज माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो। सर कैमरा खराब है, नहीं होगा ऑन, कैमरा खराब है, कैमरा खराब है, बैक कौन हो जाएगा। अरे भाई साहब अलग अलग मसला है, कोई बात नहीं सर, मिरर से काम चल सकता है। मिरर लगा लो भाई, यहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला भी चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हम सिर्फ बैकलॉग कर रहे हैं, लाइव लेक्चर नहीं देखते। क्यों लाइव लेक्चर नहीं देखोगे तो इसका बैकलॉग लग जाएगा ना। तो ये भी तो प्रॉब्लम है, आप लाइव लेक्चर देखें, ठीक है, जो भी होता है वो देखें, और दिन में आप लोग बैकलॉग करें, रात में नहीं करेंगे कोई भी।